हो आ गए आप। नमस्कार। मम्मी के घर बालकनी में खड़ी खड़ी नीचे देख रही थी। अगर आप भी देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। हमारे यहाँ दिल्ली में कोरोना बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है। आपको पता है केजरीवाल सरकार हो या मोदी सरकार हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मिड डे मील की तरह सुबह दोपहर शाम का खाना गरीबों में दिया जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी बालकनी में खड़े देख रही थी और वो लोग खाना मांग रहे हैं। आप खाना क्यों मांग रहे हैं जब खाना आपको तीनों टाइम सरकारी जो जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ मिल रहा है, लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं, आसपास के लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन चीज़ों से बाज नहीं आ रहे। आप एक 10 रुपये दे दीजिए, 5 रुपये दे दीजिए। आप यहाँ बालकनी में खड़े होकर देखिए कि कितने लोग किस किस तरह से पैसे मांग रहे हैं। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो इंसानियत पर से विश्वास उठता है, दुख होता है, क्योंकि आप एक मजबूरी का भी फ़ायदा उठा रहे हैं। सिर्फ थैले भरने हैं आपको। और कितनी वीडियोस हमने ऐसी देख ली हैं व्हाट्सएप पर जहां पर खाना किस तरह से बर्बाद हो रहा है। इंसानियत को इंसानियत का फ़र्ज़ समझना होगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि इंसानियत का इंसानियत पे से फ़र्ज़ उतर जाए। जो भी लोग इस वक्त सड़कों पर घूम रहे हैं, मदद उनकी ज़रूर कीजिए। मेरा संदेश देश के नाम यही है, जो लोग घूम रहे हैं उन्हें अपनी जान की परवाह होनी चाहिए और अपने साथ साथ लोगों की जान की परवाह होनी चाहिए। जब खाना मिल रहा है तो आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। खैर छोड़िए, मैं हूं डॉक्टर वायरा के और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग, घर में परिवार में सब कैसे हैं? जय माता दी। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि यस आई एम ओके विद माय फैमिली। जी हां, मैं भी अपने परिवार के साथ और अपने ससुराल सब के साथ बिल्कुल सकुशल हूँ, बढ़िया हूँ और ठीक हूँ। आइए डालते हैं काली गुजा पर नज़र। काली गुजा एक तरह की जड़ी बूटी होती है। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को धन भर से पोटली भेजी थी, उस पोटली में भी ये काली गुजा थी। ये काली गुजा लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है। ये काली गुजा के बिना शुक्रवार की पूजा नहीं होती और इस काली गुजा के बिना लक्ष्मी कभी घर आ नहीं सकती। इस काली गुजा की खास विशेषता ये भी है कि ये काली और लाल रंग की होती है, लेकिन वैसे ये सफ़ेद और काली भी होती है। लेकिन काली और लाल गुजा तो लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है। इतनी ज़्यादा प्रिय है कि अगर हम साउथ के मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़े से तांबे के बर्तन में काली गुजा खूब सारी रखी होती है। लोग आते हैं और उसमें सिक्के डालते हैं और उसमें ऐसे हाथों से उसको गुजा को घुमाते हैं और घुमा घुमा कर अपनी विश बोलते हैं। खासकर साउथ के मंदिरों में ये देखने के लिए मिलता है और कहते हैं कि अगर गुजा में हाथ सिक्के डालकर घुमाते घुमाते अगर आप अपनी कोई भी विश बोलते हैं तो वो विश पूरी अवश्य होती है ना। मज़ेदार बात। हवा बहुत अच्छी चल रही है, दिल्ली का मौसम भी बहुत अच्छा है और बस घर में हैं और परिवार साथ में है तो इससे अच्छे मौसम का आनंद नहीं लिया जा सकता। पकौड़े बनाइए, अच्छे से खाइए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, एक्सरसाइज योगा करते रहिए और ब्यूटी टिप्स का इस्तेमाल कीजिए। अपने बालों को टाइम दीजिए क्योंकि अब आप ऑफिस नहीं जा रहे। कोशिश कीजिए कि हाथ में नेल पॉलिश ना लगाएं, खुद को टाइम दें और केयर करें और किसी भी तरह से खुश रहने का एक मौका ढूंढें। पुरानी स्कूल टाइम की एल्बम्स निकालिए और बच्चों को दिखाइए अपने हुनर के बारे में कि आप क्या क्या करते थे। और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखते रहें। आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और आप मुझे मेरे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। आइए जानते हैं, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है काली गुजा। काली गुजा बहुत मुश्किल से मिलती है और असली मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे आपको पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। लक्ष्मी जी की पूजा में काली गुजा का विशेषकर महत्व है। लक्ष्मी जी को जल्दी प्रसन्न करने के लिए रात भर लक्ष्मी जी की एक मूर्ति को जो चांदी की हो काली गुजा के अंदर एक ग्लास में रख दें चांदी के और उसमें काली गुजा पूरी भर दें यहाँ तक जिससे माँ सांस ले सके। और फिर उस गुजा को निकाल कर सुबह आप अपने घर की तिजोरी में, बच्चों के स्कूल बैग में, लैपटॉप बैग में, घर के अंदर अगर रखें तो इससे धन की आगमन होता है। काली गुजा लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय होने के साथ साथ अगर 108 गुजा हर शुक्रवार को गिनकर मां लक्ष्मी जी को मंदिर में, जो संसारिक रूप से मंदिर बना होता है घर के आसपास जो आजकल तो बंद है, उन पर अर्पण की जाए और आपकी कोई भी एक विश बोली जाए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाला जाए तो आपकी हर मन्नत पूरी अवश्य होती है। ऐसा लक्ष्मी जी के मंदिर पर करने से होता है। ये वीडियो अभी संभाल कर रख लीजिए और क्या करें ऐसा कि धन बरसे और बहुत आसानी से काली गुजा मिल जाए। जब भी लॉकडाउन खुले, मुझे नहीं पता ये वीडियो जब आपको मिलेगी तो उस टाइम लॉकडाउन होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो होगा लॉकडाउन, ठीक है ना। तो आप इस काली गुजा को बहुत अच्छे से संभाल कर इस वीडियो को रख लीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए ताकि आप मंदिर से कहीं पर भी घर के आसपास से पूजा स्थान से ये ले लीजिएगा काली गुजा और इसके उपाय करिएगा जिससे कि लॉकडाउन में जो भी नुकसान आपको हुआ है उसके बाद आपका व्यापार, बिजनेस, दुकान जो भी है वो बहुत अच्छे से चले। इवन आपकी नौकरी में भी इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो। नीचे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अगर आपको मैं नीचे का नज़ारा दिखाऊं तो आप कह नहीं सकते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। किस तरह से लोगों को समझाया जाए अब ये समझाना भी मुश्किल हो गया है।
दिवाली की रात को अगर काली गुजा घर में रखी जाए और पूरे घर में थोड़ी थोड़ी काली गुजा हर जगह पर छिड़की जाए तो कहते हैं लक्ष्मी का वास ही काली गुजा में होता है। काली गुजा के अंदर पीली सरसों मिलाकर, जो अक्सर आप मेरे फ्री कैंप में आते हैं तो मैं आपको देती हूँ अभिमंत्रित पीली सरसों के साथ काली गुजा को, अगर आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो भी धन बरसता है। काली गुजा को लड़की जब शादी करके विदा हो रही हो तो लड़की को ज़रूर काली गुजा थोड़ी सी एक कुछ सिक्कों के साथ माँ को देनी चाहिए, जिससे माँ जब उस घर में बेटी जब उस घर में जाती है आपके घर से विदा होकर तो आपके घर में भी धन की कमी नहीं होती और उस घर में जहाँ वो बेटी बहू बनकर जा रही है वहाँ भी धन की कमी नहीं होती। लेकिन लॉकडाउन में मैं धन के लिए क्या करूँ? आप फिलहाल काली गुजा का इंटरनेट से एक फ़ोटो निकाल लीजिए। आप प्रिंटर अगर आपके घर में नहीं है तो आप अपने वॉलपेपर पर फ़ोन के लगा लीजिए, सिर्फ सुबह शाम उसके दर्शन कीजिए। काली गुजा का अगर आपके घर में प्रिंटर है तो उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने घर के मंदिर में उस फोटो को रखकर उसके आगे दिया जलाना शुरू कर दीजिए। ये सारे उपाय आप लॉकडाउन के टाइम पर कीजिए। पहले आप काली गुजा के बारे में पढ़िए, काली गुजा है क्या उसे देखिए। ये दो तरह की होती है, मैंने आपको जैसे बताया कि सफ़ेद और काली, काली और लाल, और काली और लाल गुजा माँ को बेहद पसंद है। देखने में ये मोतियों के दानों की तरह होती है। अगर आपको काली गुजा की माला मिल जाए और उसे आप लक्ष्मी जी का जाप करें तो भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपको काली गुजा की माला ना भी मिले तो आप 108 दाने अलग कर माँ का एक एक मंत्र जाप कर अगर उसे कटोरी में डालते रहें और उससे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो भी आपको काली गुजा का बहुत फ़ायदा होता है। इस वीडियो को संभाल कर रखिएगा क्योंकि काली गुजा के बारे में आप में से ही किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि मैम इस पर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। टाइम अच्छा भी थे, खुश बीते, बढ़िया बीते, इसके लिए अपने घर में पूरे दिन में सारे लोग घर में होते हैं तो एक टाइम ऐसा ज़रूर हो जब आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलें, पर्दे हटाएं और वेंटिलेशन आपके घर में ज़रूर हो और आपके घर में ताज़ी हवा ज़रूर आए। जैसे कि आप दिल्ली में भी देख रहे हैं कि गर्मी ज़बरदस्त है और अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो अभी सिर्फ दोपहर के 11:30-12 बजे हैं और ज़बरदस्त वाली जो हुम्मस है यहाँ है, लेकिन हल्की हल्की हवा चल रही है, सुबह बारिश हुई थी। ठीक है मौसम, तो आपको मैं बता दूं पानी ज़्यादा पीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसे एक बालकनी है तो वहाँ पर चिड़िया के लिए पानी ज़रूर रख दीजिएगा और पूरे घर में गायत्री मंत्र ज़रूर चलाइएगा। घर में इस वक्त अगरबत्ती धूप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ऑल पीपल आर एट होम। घर के बाथरूमों को इस वक्त साफ़ ज़रूर रखिएगा। अगर बाथरूम में गंदगी होनी शुरू हो गई, जैसे कि मेड नहीं आ रही हैं, तो आपके घर में ये कारण बन जाएंगे कर्जे का, ये कारण बन जाएंगे लड़ाई का, ये ना हो इसका खासा ध्यान ज़रूर रखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।